रुपए मत दो, पैसे मत दो, व्यासपीठ के पास आओ। तो जीवन में जब कर्मकांड करते हो और तुम्हें कोई संकल्प कराता है तो पंडित जी तुम्हें कहते हैं संकल्प करो, हाथ में जल लेकर दक्षिणा दो। कर्मकांड के समय संकल्प जब कराया जाता तो हाथों में जल लेकर के और संकल्प होता है और दान होता है। पर याद रखना, जब कोई सदगुरु तुम्हें वास्तव में सच्चा भागवत सुनाने आता है तो हाथों में जल नहीं, नेत्रों में जल लेके आना, और किसी दक्षिणा की जरूरत नहीं है। आंखों में पानी हो कि मैं कृष्ण के लिए आया हूं, मैं ठाकुर के लिए आया हूं, और अपनी जिंदगी को इन 7 दिनों में संवार करके जाऊंगा। ये 7 दिन तुम्हारे लिए मन का ब्यूटी पार्लर है, सुंदर सा। लोगों को कह देना जब जाना तो पूछे लोग कहां से आए, बोला भैया ब्यूटी पार्लर से आए, बहुत बढ़िया ब्यूटी पार्लर बनाए, फ्री में करता है। बोला छो, बोला हाँ, बोला मन को इतना संवारता है, इतना संवारता है कि जस मन में इतनी कलुषता भरी हुई थी, अब धीरे धीरे कृष्ण आने लगे हैं। उस ब्यूटी पार्लर में हम जा रहे हैं और कथा स्थल वही है। कथा के पांडाल में तुम बैठे हो ये बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे भीतर बैठ जाए ये बड़ी बात होगी। पांडाल में तो रोज लोग आते रहते, हजारों लाखों कथाएं चल रही हैं। भारत देश में कथाओं की कोई कमी है? विदेशों की धरतियों पर कथाओं की कोई कमी है? एक एक शहर में 5-5 कथाएं चलती रहती हैं, और जरा सोचो भारत में कितने शहर हैं, कितने नगर हैं। न कथाकारों की कमी है, न कथाओं की कमी है। हमारे वृंदावन में तो तुम भी 1 महीने तक आ जाओ तो हम तुमको भी कथाकार बना दें। वहां तो ट्रेनिंग ही चलती है कथाकारी की। वो आओगे 1-2 महीने आराम से सीखो और ताल तमूरा लो और लेकर के निकल पड़ो और फिर मौज लो आराम से। रुक्मिणी विवाह के दिन बढ़िया सोने का चेन मंगवाओ, बढ़िया साड़ी चढ़वाओ, मौज करो, लेकिन बात नहीं बनेगी। याद रखना, कथा का प्रयोजन अगर अर्थ हो गया, चाहे वक्ता के लिए चाहे श्रोता के लिए, तो कथा से अनर्थ ही निकलेगा। कथा मन की समस्त व्यथा को मिटा सकती है, मैं और मेरे का परिचय करा सकती है। जिस मैं और मेरे को अभी मानकर बैठे हो वही झूठा मैं और मेरा तुम्हारे दुखों का कारण है। पर इन 7 दिनों में जब यहां बैठोगे परीक्षित की तरह, परीक्षित ने पानी तक नहीं पिया, 4थे दिन जब कहा कि थोड़ा पानी पी ले तो परीक्षित ने कहा वाह, इतनी इतनी बात तो सुना गए, और जब ठाकुर जी की बात आई, कृष्ण की कथा आई, तो तुमको पानी याद आ गया। चलो गुरु जी कथा शुरू करो, बताओ श्रोता ऐसा मिले तब। इसलिए मैं आप सबसे एक ही आग्रह करना चाहता हूं, देखो पहला दिन परिचय का होता है, वक्ता से श्रोता परिचित हो जाएं, श्रोता को जिस ग्रंथ का श्रवण करना है उस ग्रंथ से परिचित हो जाएं, उस ग्रंथ की महिमा क्या है उससे परिचित हो जाएं। क्योंकि व्यक्ति सामान खरीदने तभी जाता है जब उसकी महिमा से परिचित होता है, जब उसके इंपॉर्टेंस को जानता है तभी वो अपने इंपॉर्टेंट समय को उसमें इन्वेस्ट करता है। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो वेस्टेज चीजों के लिए अपने इंपॉर्टेंट समय को इन्वेस्ट कर दे। सभी अपने समय को, मूल समय को बड़ी अच्छी जगह लगाते हैं। अब कथा इत्यादि अगर ऐसे ही है कि बाबा जी आते हैं कथा करते हैं तो कौन इसमें इन्वेस्ट करेगा समय को। और हम इसलिए इतना बोलते हैं कि हमारे बोलने के पीछे रीजन है, रीजन यही है कि ये हमारे आयोजक भी जानते हैं, भारतवर्ष भी जानता है कि कथा के साथ हमारा कोई व्यापार नहीं। आज तक जीवन में कभी भी, पहले तो मैं बहुत कथाएं करता ही नहीं, 4 वर्ष पहले कथा किया था, फिर अभी मस्ती आ गई 2-3 महीने से, तो 2-3 कर दिया, मौज आ गया कर दिया। हमारी कोई ऐसी फिक्स नहीं है कि हमें 3 कथाएं करनी है
और बैग भर के हमें ले जाना है, वो तो बर्मन जी से पूछ लेना कितना हमको दे दिए, और जाने के बाद भी पूछ लेना। फिर ऐसा नहीं को कह दे कि अंडर टेबल ले लिए, डायरेक्ट तो नहीं लिए लेकिन गौशाला के नाम पर ले लिए, वो भी अगर ले लूँ तो फिर पूछ लेना उनसे, भैया ऊपर टेबल से लो या अंदर टेबल लो, बात तो एक ही है। महाराज जी डायरेक्ट नहीं लेते, महाराज जी के गौशाला में दे देना। वो अंतर क्या है मुझे बताओ? नहीं, मैं गौशाला में देने का मना नहीं करता, लेकिन फिर तो मैं समझता हूँ फिर सीधा सीधा ही बोलना चाहिए कि भैया इतना ले लेंगे, कथा कर तुम्हारे पास करेंगे। जब कह दिया कि कथा का सबसे बड़ा मूल्य क्या है, बड़ा कथा का मूल्य है तुम्हारे हृदय में लौल्यता हो, लालसा हो, ललक हो, और आंखों में पानी लेकर के बैठोगे तो लगातार कथा यूं ही बरसती रहेगी, चलती रहेगी, और कोई चीज कथा को बाहर नहीं निकाल सकती। बाकी सब धंधे हैं साहब, धंधे हो जाएंगे, याद रख लेना।